Mhm 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 अस्सलाम वालेकुम हेयर इज़ डॉक्टर हरी होप्स गुड एंड फाइन हेयर इज़ ए नाट वेरी इंटरेस्टिंग व्लाग फॉर यू आज का व्लाग भी, भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है खैर मुझे जो है घर के पार ना एक जंगल का व्यू है वो बहुत ही अट्रैक्ट करता है तो आज उस जंगल में ना और ही ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही थी मुझे क्योंकि कुछ खाना बदोश लोग आए हैं वो अपने माल मवेशी के साथ बड़ी ही मतलब उनकी रौनक लगी हुई थी तो खैर मैंने सोचा कि चलते हैं और जाके उनके साथ बात शात करते हैं और उनके साथ देखते हैं के क्या कर रहे हैं और क्या नहीं मेरा मतलब पर्सनली पहला एक्सपीरियंस है मैंने कभी उन लोगों के साथ बात नहीं की मतलब दूर से देखे हुए थे अपने माल मवेशी के साथ लेकिन पर्सनली मैंने कभी उनके साथ बात बातशात नहीं की हर आज मौका मिला तो मुझे लगा कि जाना चाहिए और आप लोगों के लिए वीडियोस बनानी चाहिए और आप लोगों को दिखाना चाहिए कि कश्मीर में जो है ना अब ये वाले रंग भी देखने को मिलेंगे जगह जगह माल मवेशी होंगे और बकरवाल जो है वो अपनी बकरियों को ले आना शुरू हो जाएंगे सारा जंगल ही बहुत ही प्यारा है लेकिन उन्होंने इतनी प्यारी ही लोकेशन ढूंढी हुई थी थोड़ा सा पानी बह रहा था और साथ में जो है मतलब हर तरह से जो ना एक पीक पे जाके उन्होंने एक पाइंट ढूंढा हुआ था और वहाँ पे उन्होंने अपने जाके कैंप्स लगाए हुए थे हर कैंप के अंदर भी मैं गई उनकी जाहिर बात हवा तीन थी तो मैं इतनी ज़्यादा वीडियोज़ नहीं बना सकी लेकिन थोड़ी बहुत मेरी वीडियोज़ बनाई वो भी आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कुछ वीडियोस जो है वो अपनी मैं वॉइस ओवर में, में करूँगी नेचुरल जो वॉइस थी उस वॉइस में ही मैं अपलोड करूँगी ताकि आप लोगों को पता चले कि कितनी ही रियलिस्टिक इनकी लाइफ है बहुत ही प्यारी लाइफ मतलब एक एडवेंचर लाइफ होती है कि कहाँ जाना होता है कहाँ रात होती है कहाँ दिन होता है और कहाँ सुबह होती है पता नहीं खैर आप लोगों के साथ डिस्कस करते हैं सारी बातें शातें जो इन लोगों ने मेरे साथ की और

इनका कहना था कि हमने स्पेसिफ़िक डेज़ रखे होते हैं कि मतलब ये डेज़ हमने यहाँ पे गुजारने ये डेज़ हमने यहाँ पे गुजारने और नेक्स्ट डेज में हमने कहाँ पे जाना हमारा सब कुछ मतलब तय होता है और आ, हर बकरी का इनको पता था हर बकरी के बच्चे का इनको पता था कि ये किसका बच्चा है ये किसका बच्चा है मतलब बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग में भी हम लोग भी बोल सकते हैं शायद लेकिन इनको बहुत ही माशाला से हर चीज़ का पता था खैर हवा तीन भी थी और साथ में कुछ आ, मर्द हजरत भी थे मैंने उनसे भी थोड़ी बहुत बात की उन लोगों ने मेरे साथ कोऑपरेट किया और वीडियोस भी बनाने दी आप लोग देख सकते हैं कि कैसे मतलब वो वो मुझे कह रहे थे कि कोई मसला नहीं है मेरी माप बना लें खैर हम लोगों ने वीडियोस बनाई और कुछ चीज़ें आप लोगों के लिए कैप्चर की कितने प्यार से सारे झुंड में बैठे हुए हैं और कुछ जो है वो सेपरेट बैठे हुए थे लेकिन ज़्यादातर जा, जो है ना वो झुंड में बैठे हुए थे और बहुत ही प्यारे प्यारे प्रिंटेड बकरे और बकरियाँ हर हमारा प्रोग्राम था कि हम कुर्बानी के लिए भी देखें कि अगर हमें कुछ अच्छा कोई अच्छे वाला अगर मतलब बड़ा बकरा वगैरह मिल जाए तो हम देख लेंगे और ले लेंगे लेकिन हमें कोई इतना मतलब अच्छा नहीं लगा तो बाबा ने बताया कि बाद में भी और ज़्यादा बकरवाला आएंगे तो हम तब देख लेंगे हर जी देख सकते हैं कि किस तरीके से वो पीक पे जा के बैठे हुए और बहुत ही प्यारे प्यारे मैंने बहुत कोशिश की है कि मैं किसी एक को हाथ लगा लूं लेकिन मैंने किसी एक को भी हाथ नहीं लगाया मेरे साथ मेरी मतलब और जो कजर वग़ैरह लोग थे हम लोगों ने सब उन लोगों ने सब ने हाथ लगाया मतलब लेकिन मैं नहीं लगा सकी देख सकते हैं कि हम जा रहे हैं बीच बीच में से लेकिन मैं आपको इसका वॉइस ओवर अगर सुना दूँ तो आप लोग हंस हंस के वो हो यार मेरी जो चीज़ें निकल रही थी आ, मतलब थोड़ा सा स्क्य था क्योंकि मैंने फ़र्स्ट टाइम का मेरा एक्सपीरियंस था तो ज़्यादा अच्छा लग रहा था लेकिन मतलब थोड़ा बहुत डर भी लग रहा था खैर मुझे आ, मतलब बहुत शौक था कि लोगों से जाके बात करूं कम्युनिकेट करूं इन लोगों की जो लड़कियां थी वो बहुत ही अच्छी थी उन लोगों ने हमारे साथ कॉपरेट किया उन लोगों के साथ मतलब अपना हेबे का अंदर वाला पार्ट दिखाया और जी उन्होंने सारा बताया फिर इनके घोड़े थे बहुत प्यारे प्यारे और फिर इनका मतलब जो लकड़ियाँ इकट्ठा करने की जो, जो मतलब एक सेपरेट जगह थी और इनका एक सख्त ख़तरनाक किस्म वाला एक कुत्ता था जिसने हमें ना बहुत ही तंग किया खैर हमने बड़ी कोशिश की कि आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियोज़ बना सकें और आप लोगों को दिखा सकें कि भाई क्या हालाबोशों की क्या ज़िंदगी है कभी कभी लगता है कि बड़ी अच्छी ज़िंदगी है और कभी कभी लगता है मुश्किल भी है ज़ारी बात अब बारिश हो जाए कुछ इस तरीके से हो जाए तो वो कितना मतलब स्लाइडिंग हो जाए या कुछ भी हो सकता है लेकिन इनकी ज़िंदगी जो है ना बस आ, अच्छी भी लगी और दुख भी हो रहा था मैंने जब बाबा से बात की वो जो वहाँ पे बैठे हुए थे तो वो कहते हैं कि हमारी क्या ज़िंदगी है हम तो ज़मीन पे रह के मतलब बैठ के खा रहे हैं हमारी क्या ज़िंदगी है तो बस मुझे थोड़ा सा तर्स भी आ लेकिन हर ज़िंदगी भी अच्छी है इनकी आ, हर किसी की ज़िंदगी अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है आ, देख सकते हैं कि कितने प्यारा हेमा उन्होंने लगाया हुआ कितनी प्यारी जगह पर वो खुद लोग मतलब रह रहे और एक एडवेंचर ज़िंदगी गुजारे आ, हैर आप लोगों के साथ भी कभी एक घर ऐसा इतफाक़ हुआ तो आप लोग भी जाना और जाके इन लोगों के साथ बात करना बड़ा अच्छा लगता है सब लोग रूट नहीं होते बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं खैर है है हम लोगों का प्रोग्राम था कि हम चलते हैं अब घर और घर चले ताकि क्योंकि बड़ी मतलब महरम का टाइम होने लगा था तो इन लोगों को भी इतना ज़्यादा हम लोग कैप्चर नहीं कर सके जाहरी बात है प्राइवेसी का भी ख्याल था और दूसरी बात क्या पता वो लोग सोचेंगे क्या पता ये कैसे लोग हैं हमारा घर थोड़ा सा दूर था हम सिर्फ़ इनकी वजह से इनके पास गए थे कि हम जाके थोड़ा बहुत एक व्लॉग सा शूट कर लें आप लोगों के लिए ये देखें ये पानी यहाँ से गुजर रहा है शायद माल मवेशी जो है वो ये वाला पानी पीते और अपना पानी जो है वो दूसरे कुएं से जा के ले कर आते आ, हर चीज़ की इनके पास मतलब ये था कि आ, पता था कि ये चीज़ हमने यहाँ से करनी है ये चीज़ वेल ट्रेंड और बड़े माशाल्लाह से आ, शायद एक्सपीरियंस में एक सब इन परफेक्ट वाली बात है इनका बहुत ही ख़ास किस्म वाला एक्सपीरियंस है देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है मुझे वल्ला इर्तगल गाजी वाला फीलिंग आ रही थी कि मतलब वो जैसे रह रहे और ये वो सारा चीज़ हर हम चलते हैं और कहते हैं हाना बदोश लोगों को हाफिज़ और इन उन लोगों के साथ फिर कभी जब मैं इनको कह रही थी कि जब आप लोग जाएंगे तो मैं फिर आप लोगों को मिलने ले आऊँगी लेकिन इन फिर अच्छा सा व्लाग भी बनाएंगे उनके साथ चलते हैं और घर की तरफ और आप लोग कहाँ जा रहे हैं मुझे लाइक करना शेयर करना और सब्सक्राइब करना और इसी तरह मेरे साथ मेरे व्लाग्स को सपोर्ट करते रहना ठीक है चले मिलते हैं कल इनशाला सीओ सोन अला हाफ ख़ ख़ुदाफिफिया मानी ठीक किया बाय सी ओ